इस तरीके से ये एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है जिसको हम सीखेंगे जब आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं क्लास को। इनके अपने कुछ मंत्रास होते हैं, उन मंत्रास को भी हम उस पर भी हम काम करेंगे, उनका भी हम लोग चैंटिंग्स वगैरह जो है आपको देंगे, आप वो खुद से करेंगे ताकि आप अपनी पावर्स को बढ़ा सकें। बेसिकली जो मदर क्वाइनेम है इनका जो कलर होता है ये व्हाइट कलर की होती है, लेकिन आप इनको पिंक कलर से भी बोल सकते हैं क्योंकि पिंक जो होता है हमारे जैसे ये करुणा की देवी है, तो पिंक कलर को भी इनके साथ आप रेजोन कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे, अगर आप पूरे अपने सेवन चक्रास को के जितने भी हमारे कलर्स हैं अगर आप उन सबको एक कलर में देखेंगे तो वो सब एक व्हाइट कलर होता है, एक व्हाइट लाइट होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आपको व्हाइट लाइट की एनर्जी फील करवाते हैं हमेशा। आपने देखा होगा कोई भी मेडिटेशन में आपको बोलते हैं व्हाइट लाइट को विजुलाइज करें, व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट। कई जगहों पे पर्पल लाइट को भी यूज करते हैं क्योंकि पर्पल लाइट हमारी थर्ड आई का कलर होता है पर्पल। तो बहुत सारे जब हीलर्स होते हैं, जो हम लोग हीलिंग्स करते हैं, तो सबसे पहले वो हमारी थर्ड आई पर ही उसका काम होता है। जैसे हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है तो हमें कलर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला कलर दिखता है हमको, वो हमें दिखता है व्हाइट कलर, वो सॉरी पर्पल कलर दिखाई देता है, किसी को पिंक कलर दिखाई देता है, तो इस तरीके से हमें वो कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कई लोग इसको व्हाइट पर्पल कलर में भी हीलिंग आपको करवाते हैं, कई लोग आपको पिंक कलर में करवाते हैं। बट बेसिकली अगर आप इन सब रंगों का एक कलर देखेंगे तो वो व्हाइट कलर होता है। व्हाइट कलर यानी कि शांत, एक बहुत ही शांत काम व्हाइट कलर होता है। तो व्हाइट कलर इनका जो देवी होती है इनका भी जो होता है व्हाइट कलर होता है। अच्छा, मदर क्वाइनेम को जो जो लोगों के बेबीज नहीं होते हैं अगर वो इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनकी वर्शिप करते हैं, इनके मंत्र को चैंट करते हैं, इनके ऊपर अपना पूरा 101% एक बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करके रखते हैं, तो उन लोगों को बेबी भी इनसे प्राप्त होता है, ये उनको बच्चे भी देती हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है एक करुणा की देवी है, हर किसी के दर्द को समझती है क्योंकि इनके अंदर फीमेल एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये एक फीमेल एनर्जी की देवी भी इनको कहा जाता है। आपको पता होगा कि हर व्यक्ति के अंदर दो एनर्जीज होती है, एक मेल एक फीमेल, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, हर व्यक्ति के अंदर दो एनर्जीज होती है। तभी हम बोलते हैं ना शिव शक्ति, तभी हम उसमें जो हमारे सिंबल नंबर 2 है बैलेंस करने के लिए, तो वो शिव शक्ति का ही सिंबल है जिसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है वो ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर आप मेल हैं तो आप में मेल एनर्जी ही ज्यादा होगी, कई बार मेल के अंदर फीमेल एनर्जी ज्यादा हो सकती है, कई बार फीमेल के अंदर मेल एनर्जी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है फीमेल एनर्जी इनके अंदर ज्यादा होती है, तो ये फीमेल एनर्जी की भी एक देवी इनको माना गया है। ठीक है, अच्छा इनके जो सिंबल्स होते हैं बेसिकली जो इनकी जो इनके हर इसमें बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड सिंबल्स भी हैं कि एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए आप ये सिंबल को लीजिए, तो आप वो सिंबल्स को इसमें यूज कर सकते हैं, उन सिंबल्स के माध्यम से आप हीलिंग कर सकते हैं। जिसमें आपने रेकी के जो 4 सिंबल्स आपने सीखे हुए हैं, सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3, सिंबल नंबर 4, मेन हमारे 4 सिंबल्स ही होते हैं रेकी के अंदर ग्रैंड मास्टर में। जब आप लेवल 3 तक जाते हैं तो आप इन 4 सिंबल से आपका अटूनमेंट होता है, अटूनमेंट और रेकी के अंदर 4 सिंबल्स का ही होता है, ग्रैंड मास्टर तक भी आपको 4 सिंबल्स का अटूनमेंट दिया जाता है। तो इन 4 सिंबल्स के साथ आप उन सिंबल्स को मिलाकर हीलिंग करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि जिन लोगों ने रेकी नहीं सीखी है और अगर वो डायरेक्ट इसको सीखते हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनको पहले पीछे का सारा कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने अंदर इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसका सब एकदम आप हर किसी ने आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने रेकी सीखा होगा, हर किसी का तरीका अलग होता है, किस तरीके से आपने सिंबल्स के साथ में काम करना है, किस तरीके से कैसे करना है, तो ये सारा आपको मैनेज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आपको 45 सिंबल्स सिखाएंगे, 45 सिंबल्स का आपको शक्तिपात कराएंगे, 45 सिंबल्स को किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो सिंबल्स होते हैं इनसे आप हर तरह की बीमारियां, खास तौर से हार्ट अटैक की बीमारी, कैंसर्स की बीमारी, इस तरीके की बीमारियों के लिए आप इनको
यूज करेंगे, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारियों को, इस तरीके की बीमारियों को आप खास तौर से यूज करेंगे। उसके अलावा जो मैग्निफाइड हीलिंग है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाती है, ईश्वर के साथ आपके कनेक्शन को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बीमारियां आपके जीवन से जाने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप कॉस्मिक एनर्जीज के कॉन्टेक्ट में आते हैं। एनर्जी दो ही तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। अगर भगवान है, अगर पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, कोई भी तरह की परेशानी है जीवन के अंदर, तो आप नेगेटिव एनर्जीज के कांटेक्ट में आते हैं। बहुत सारे लोग हीलिंग करते हैं पर उन्हें मालूम ही नहीं होता इंटरनली जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसके कारण से वो हीलिंग करते करते ही नेगेटिव एनर्जीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं। उस कांटेक्ट में वो ना आए उसके लिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना पड़ता है। अब उस स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप कैसे बढ़ाएंगे? आप सिंबल्स के माध्यम से, सिंबल्स को सीखेंगे, मेडिटेशंस के माध्यम से आप अपनी उन स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएंगे। जैसे हम हर मोडालिटी के अंदर 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। 7 चक्रास के ऊपर हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे 7 चक्रास, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर पार्ट हमारा 7 चक्रास के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे चक्रास की हीलिंग होती जाती है वैसे वैसे हम रिलैक्स होते जाते हैं। ठीक है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ जाती है, हम उस परम शक्ति के साथ हमारा मिलन हो जाता है। तो जब हम अपने 7 चक्रा के ऊपर काम करते हैं और हम मेडिटेशन पे बैठते हैं या हम सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी तरीके के सिंबल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी मोडालिटी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अपनी थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, आप कोई भी सिंबल से काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ घर में बैठ के अपने भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठ के अपने जो भी आपको किसी गुरु ने आपको कोई मंत्र दे रखा है, अगर आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आप अपने थर्ड आई के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थर्ड आई तो आपकी एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि थर्ड आई आपकी सबसे जल्दी एक्टिवेट होती है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो डायरेक्ट हमारी थर्ड आई से ही, हम बोलते हैं ना विजुलाइज करें तो वो थर्ड आई से ही होगा, फील करें थर्ड आई से फील करेंगे, ठीक है, देखने की कोशिश करें थर्ड आई से ही देखेंगे, तो वो थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी जल्दी, आपको एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, सबसे पहले जो हमें कलर दिखने शुरू होते हैं वो हमें पर्पल कलर दिखना शुरू होता है। पर्पल कलर, पिंक कलर, ये सब हमारे थर्ड आई के साथ कनेक्ट करते हैं। ब्लू कलर, ये सब हमारी थर्ड आई के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके बाकी के चक्रास बैलेंस नहीं है और आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है तो नेगेटिव एनर्जीज आपके कॉन्टेक्ट में आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपके बाकी के चक्रा एक्टिवेट नहीं होंगे, और तो आपका जैसे मूलाधार चक्र, रूट चक्र, अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, घबराहट की फीलिंग होती है। सोलर प्लेक्सस अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो इच्छा शक्तियों में कमी आ जाती है। आपके सैक्रल चक्र अगर एक्टिवेट नहीं है तो भी आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी आएगी। हार्ट चक्र अगर आपका एक्टिवेट नहीं है, अगर हार्ट चक्र के अंदर ब्लॉकेज है तो इमोशनल वैक्यूम्स आपके अंदर बहुत ज्यादा होंगे, और जितनी भी आपका मन अंदर से छोटा हो जाता है ना, कमजोर मन कहते हैं ना, ये बड़ा ही कमजोर मन का व्यक्ति है, इसके सामने ऐसी बात मत बोलो, ये बड़ा ही इमोशनल पर्सन है, इसको ये मत बताओ, तो आपको मालूम है जितनी भी ये नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये सीधा आपके हार्ट चक्र के ऊपर काम मतलब अटैक करती है। जितना भी आपका मन कमजोर होगा, एनर्जी आपको जल्दी से अपने कॉन्टेक्ट में ले लेगी। तो इसलिए आपको अपने सभी चक्रास को बैलेंस करना है। अगर आपके नीचे के 4 चक्र बैलेंस नहीं है और आपने थर्ड आई के ऊपर काम करा है तो वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे से अपने सभी चक्रास के ऊपर काम करते 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 अपनी थर्ड आई के ऊपर आते हैं और तब आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। थर्ड आई के बाद आपका क्राउन चक्र होता है, क्राउन चक्र के ऊपर आपके और भी चक्रास होते हैं, फिर आप धीरे धीरे आपकी वो जर्नी जो होती है थर्ड आई पर आपकी शुरुआत होती है, और फिर आप धीरे धीरे उस चीज से बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर हमारे जो सिंबल्स हैं वो सब हमारे को उन सब कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही
मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं आपको कैसे वो उनकी फीलिंग्स को बताऊं कि अगर आप उनको फील करेंगे तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। और हमेशा याद रखिए, अगर जिंदगी में जब आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है तो आपके जीवन में सब कुछ ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। मन की शांति, जो जीवन में उथल पुथल चल रही होती है, आपका वहां से मन शांत हो जाता है। जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, और जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप जीवन में सही डिसीजंस को ले पाते हैं। ले पाते हैं ना, बताइए ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं? ले पाते। उसके साथ में अब बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि अटूनमेंट क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अटूनमेंट क्या जरूरी है? यस, अटूनमेंट जरूरी है। अटूनमेंट जरूरी क्यों होता है? अटूनमेंट जरूरी इसलिए होता है क्योंकि मैंने जैसा बोला कि जब अटूनमेंट के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर वो सारी एनर्जीज को दिया जाता है, मतलब सिंबल्स के माध्यम से जब हम आपको अटूनमेंट करेंगे, हर एक एक सिंबल का, यहाँ पर हम 45 सिंबल्स जो हम सीखेंगे, 45 सिंबल्स का अटूनमेंट देंगे। ठीक है, जब हम लोग रेकी सीखते हैं तो रेकी में हमें सिर्फ 4 सिंबल्स का अटूनमेंट मिलता है। लेवल वन में तो आपको वन एक ही सिंबल का अटूनमेंट मिलता है। लेवल 2 में आपको 3 सिंबल्स का अटूनमेंट मिलते हैं। लेवल 4 में आपको चारों, सॉरी लेवल 3 के अंदर आपको चारों सिंबल्स का अटूनमेंट मिलता है। ठीक है, लेवल 1 में 1 सिंबल, लेवल 2 में 3 सिंबल्स, लेवल 3 में आपको 4 सिंबल्स का अटूनमेंट मिलता है। लेवल 4 में भी आपको 4 ही सिंबल का अटूनमेंट मिलता है, लेकिन उसको करने अटूनमेंट देने का तरीका अलग हो जाता है। लेवल 5 के अंदर आपको वही सिंबल्स होते हैं, लेकिन उसका भी देने का तरीका अलग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लेवल 5 में भी आपको कुछ सिंबल सिखाते हैं। आई थिंक 15 सिंबल्स मैंने सिखाए होंगे, मुझे ध्यान में नहीं है। तो वो हर मास्टर्स के ऊपर होता है कि वो आपको कितना सिखाए। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल जो हमारी रेकी है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सिंबल्स का ही अटूनमेंट दिया जाता है। यहाँ पर आपको हम पूरे के पूरे 45 सिंबल्स का, एक एक सिंबल का अटूनमेंट देंगे। अब अटूनमेंट देना क्यों जरूरी होता है? अटूनमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि आपके अंदर की जो एनर्जी है और जो कॉस्मिक एनर्जी है उनका बैलेंस हो सके, है ना। डायरेक्ट जैसे हमने बोला ना कि आप डायरेक्ट अगर सीखते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट तो देखो कोई भी चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना नेगेटिव चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं ना पॉजिटिव चीज को, बिकॉज हम वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो एक लेवल से हर काम होता है ना। अगर किसी व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति के पास जिसने कभी जिंदगी में पैसा ना देखा और अचानक उसके पास करोड़ों रुपए हो जाए तो वो बौखला जाए। मनी इज वॉट? मनी इज ऑल्सो पॉजिटिव एनर्जी ना। मनी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, हर व्यक्ति उसके लिए उसको पाना चाहता है जीवन के अंदर, क्योंकि उसके माध्यम से वो अपने जीवन के बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकता है। तो दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है और अचानक से उसको करोड़ों रुपए मिल जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो उसको संभाल नहीं पाता, उसको बैलेंस नहीं कर पाता, और जैसे आता है वैसा चला जाता है ना। और एक व्यक्ति जो बहुत आलीशान राजा महाराजा, और एकदम से अगर वो गरीबी में आ जाए, एकदम से उसको एक बहुत ही गरीब व्यक्ति की तरह जीना पड़े, तो शायद वो बैलेंस नहीं कर पाएगा उस चीज को। उसको हार्ट अटैक आ सकता है, वो मर सकता है, अपनी याददाश्त भूल सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल चेंज हो गया उसका, उसकी सारी इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई, वो सॉरी उसकी जितनी भी सिक्योरिटीज थी वो सब खत्म हो गई, वो अपने जीवन में पूरी तरीके से इनसिक्योर हो गया। कितने समय तक तो वो इसी उधेड़बुन में चला रहेगा कि ऐसा हुआ क्यों, कैसे हो गया सब कुछ। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि चीजों का बैलेंस होना जरूरी होता है। एकदम हायर एनर्जी तक पहुंचने के लिए भी चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, एकदम लोअर एनर्जी को मैं तो देखो कोई आना ही नहीं चाहता, है ना। हर कोई अपने जीवन में अच्छा अच्छा करना चाहता है, आगे आगे बढ़ना चाहता है। और आप सब लोग यहाँ पर जो भी हीलर्स बैठे हैं, आप सब इस चीज को समझते हैं, आप सब इन चीजों को जानते हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं और इसीलिए आप इस कोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे आप देखिए ना, एक फ्लावर है, किसी भी तरह का आप कोई फूल ले लें। अब एक व्यक्ति है, एक राजा है, वो कहता है कि उसको ये सफेद फूल पसंद नहीं है, सफेद फूल नहीं चाहिए। अब वहां के लोग क्या करेंगे, उस सफेद फूल को कलर कर देते हैं, ठीक है, उस जैसे ही वो सफेद फूल खिलता है उसकी जगह पे लाल फूल लगा देते हैं, पीला फूल लगा देते हैं, मतलब सफेद फूल को हटा देते हैं क्योंकि उनके राजा को सफेद फूल पसंद नहीं है। फिर क्या होता है,
वो हटाते जाते हैं, लेकिन जब नीचे से जड़ें जो हैं वो फिर से वही फूल उगाती हैं, वो फिर से वही फूल उगाती हैं, वो फिर से वही फूल उगाती हैं। उसके कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि वो बार बार वही फूल उगेगा, वो बार बार उसको ठीक ही करते रह जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि उसकी जड़ को बदलना पड़ेगा। जब आप उसकी जड़ को बदल देंगे, तभी उसमें जो जिस पौधे की जड़ को आप वहां पे लगाएंगे, तो वही फूल वहां पर खिलेगा, वही फूल खिलेगा ना। तो उसी तरीके से जब हम लोग हीलिंग्स करते हैं, जब भी किसी के जीवन में कोई भी पास्ट कर्माज होते हैं, देखिए आप सबको मालूम है कि हमारे जीवन में पास्ट कर्मस का इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। जो हमारी आज हम जीवन जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से मिला हुआ है हमको। जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, कहीं ना कहीं वो सब चीजें जुड़ी भी होती हैं एक दूसरे के साथ में। जब तक हम उन चीजों को, उन कर्मास को हील नहीं करेंगे, हम ऊपर से कितनी भी पॉलिश कर लें, पॉलिश मतलब कितना भी पाठ पूजा कर लें, कितनी भी हीलिंग कर लें, वो चीजें खत्म नहीं होंगी जब तक कि आपको उसकी रूट कॉज पर जाकर आप उन चीजों को खत्म नहीं करेंगे। तो सिंबल्स के माध्यम से आप उनकी रूट कॉज तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, जब आप उस परम शक्ति के साथ मिलेंगे मेडिटेशंस के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, तो फिर आपकी वो जो रूट कॉज है वो वहां जड़ से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? किसी भी तरह का, देखो अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपने बोला कि आपको बहुत एसिडिटी है, तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको दवाई दे देगा। आपको दवाई देने के बाद आपकी जो वो एसिडिटी है वो वहां पे उसको दवाई के माध्यम से उसको वो खत्म करेगा। दर्द है तो उस दर्द के लिए आपको एंटीबायोटिक दिया जाएगा, जिस एंटीबायोटिक खाने से आपके लिए कुछ देर के लिए आपका दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म मिटेगा नहीं वो। वो जब तक उस दवाई का असर होता है तब तक वो दर्द नहीं होता, उसके बाद फिर होता है। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि जब तक हम हीलिंग करते रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम हीलिंग छोड़ देते हैं तो फिर हम वहीं के वहीं आ जाते हैं, चीजें होता है ना। तो कहने का मतलब कि उसको बिल्कुल अंदर तक, बिल्कुल पास्ट में जाकर उसके रूट कॉज को खत्म करने से ही आपको उसका रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे लोग पास्ट लाइव्स कराते हैं, पास्ट लाइफ के अंदर जाते हैं, पास्ट लाइफ के अंदर जाने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढते हैं और फिर उनको हील करते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ में हर कोई नहीं जा सकता, जाने के लिए तो हर कोई जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जा पाते हैं, और वो एक लंबा प्रोसेस है। पर आप यहाँ पर भी रेगुलर मेडिटेशन करके, सिंबल्स को यूज करके, मेडिटेशन करके आप उन चीजों को ऐसे भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है? Thank you.